हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए सिक्स क्लास के मैथ्स में हम चैप्टर सिक्स तक फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, जो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर था उसमें एक ही एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको कुछ में एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन बता दिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं डेसिमल। तो डेसिमल आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ रखे हैं, जैसे कि लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है। मैं सिर्फ एक क्विक रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, लाइक डेसिमल जो होते हैं वो होते हैं जिनके पास पॉइंट के बाद सेम प्लेसेस ऑफ डिजिट होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, ठीक है, ये आपके हो गए लाइक, ठीक है, एक्सेट्रा। अनलाइक क्या होते हैं आपके, जैसे कि 2.12, 4.132, 5.11424, ठीक है। तो इस हिसाब से, यानी कि जिसमें पॉइंट के बाद सेम डिजिट ऑफ नंबर हो, 1 2 इसमें भी हैं, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, यानी इसमें भी दो डिजिट हैं पॉइंट के बाद, इसमें भी, इसमें भी, तो ये कैसी होंगी आपकी लाइक डेसिमल्स। ठीक है, ये कैसी होंगी आपकी, इसमें देखिए पॉइंट के बाद दो प्लेस हैं, इसके पास दो डिजिट हैं पॉइंट के बाद, इसमें तीन डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद चार डिजिट हैं, तो इसी को आप बोलेंगे अनलाइक अनलाइक डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? अनलाइक डेसिमल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये आपको पता है वैसे कन्वर्जन मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर एंड ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये आप लोग जानते हैं, मैंने फ्रैक्शन में भी आपको बताया। फॉर एग्जांपल के लिए एक और ले लेता हूँ, जैसे कि लिखा है 2:1/10, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 2 में और ऊपर डिनोमिनेटर को ऐड करके नीचे जो आपका लिखते हैं वो लिख देंगे, ये आ गया आपका 21:10। तो ये आ गया आपका मिक्स टू इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर टू मिक्स करना है, तो जैसे कि आपने इसी को ले लिया 21:10 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 10 का डिवाइड देना है 21 में, यानी 10 21, तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 21 बचेगा। तो लिखते कहते हैं, पहले लिखते हैं कोशेंट, देन ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, ठीक है। तो कोशेंट है 2, रिमाइंडर है 1 और डिवाइजर है, तो ये आ गया 2:1/10, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। अब आती है इसकी डेसिमल की प्लेस वैल्यू चार्ट। तो जैसे कि मैं आपके सामने एक डिजिट लिखता हूँ 7:1245.732, ठीक है, तो आपको ये पता है ये है आपका वंस, ये आपका टेंस, ये है आपका हंड्रेड, ये है आपका थाउजेंड, इसी टाइप से और आगे चलता चला जाता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद के नंबर को कैसे बोलते हैं, देखिए पॉइंट के बाद का ये नंबर होगा टेंस, THS लग जाएगा सबके आगे, ये हंड्रेड्स, और ये होगा आपका थाउजेंड्स, ये आपको ऑलरेडी मैं फिफ्थ क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, ये देखिए आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इनका मीनिंग कैसे होता है उसके लिए मैं एक प्लेस वैल्यू चार्ट आपके लिए बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। पॉइंट से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ये तो आपको पढ़ ही रखा है प्लेस वैल्यू, पर पॉइंट के बाद प्लेस वैल्यू जो होती है वो टेंस, यानी इसका मतलब 1/10, टेंस का मतलब इंटू टेन, टेंस का मतलब इंटू 1/10, हंड्रेड का मतलब इंटू हंड्रेड, वन इंटू 1/100, और हंड्रेड का मतलब होता है हंड्रेड, थाउजेंड्स का मतलब इंटू 1/100, और थाउजेंड का मतलब होता है थाउजेंड, ठीक है। 10,000 का मीनिंग होता है 1/10,000, और 10,000 का मीनिंग होगा 10,000 मल्टीप्लाई में, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपके पास ये नंबर है 7:31.254, तो इसको आपको चेंज करना है। तो देखिए 1 का प्लेस वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू 1, 3 किसका है, टेंस का, तो 3 इंटू 10, 700 का है तो 7 इंटू 100, लेकिन पॉइंट के बाद कैसे आएंगे, 2 आपका क्या है, टेंस वाला डिजिट है, पॉइंट के तुरंत बाद क्या आता है, टेंस, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1/10, तो 2 इंटू 1/10, फिर प्लस 5 है तो 5 है हंड्रेड्स, तो इंटू 1/100,
फिर आपका 1000 है तो इंटू 1/1000, अगर और डिजिट होता तो आके आगे हम कंटिन्यू करते चले जाए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग आप लोग जानते हैं डेसिमल्स को करना, उनके प्लेसेस को आप सेम कर लेंगे तो आप कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन आएगा तो बताता जाऊंगा, ठीक है। ठीक, देखिए आपके एक्सरसाइज फर्स्ट डे में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ही बोलते हैं उसको, जो मैंने आपको भी बताई थी, ठीक है, ये वाली जो फॉर्म बताई थी। इसके बाद आपको अच्छा ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए आपका क्वेश्चन है 5th नंबर का, 7A एक्सरसाइज का, कन्वर्ट इनटू लाइक अनलाइक टू लाइक। ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल दे रखे हैं, इनको आपको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। लाइक डेसिमल का मीनिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप क्या देखिए, आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है पॉइंट के बाद। तो आप देखेंगे सर इसमें है, इसमें 1, 2, 3 तीन डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। देखिए पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है और उसके बाद अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो उसका कोई उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डेसिमल पे, उसका मीनिंग वही होता है। जैसे 2.2 लिखा आपने, 2.0 लिखा या 2.00 लिखा या 2.000 लिखा या 2.0000 लिखा, इसी से आप 0 लगाते जा रहे हैं पॉइंट के बाद। तो इन सब का मीनिंग ओवरऑल 2 ही होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 लगा के कोई नंबर अगर आप है तो फिर इन 0 का मीनिंग होता है। अगर नंबर नहीं है 0 0 लग रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सबको क्या कर लेंगे हम, देखिए ये 2.5 था, तीन डिजिट लाना है हमको इक्वल करने के लिए, 0 लगा लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0.63 इसके पीछे भी 0 लगा लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14.08 इसके पीछे भी 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1.637 ये तो आपका ही, तो आप ये देखेंगे कि ये सारे क्या हो जाएंगे आपके अब लाइक डेसिमल, क्योंकि सब में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है ग्रेटर देन इक्वल और लेस, ये साइन आपको लगाने हैं, देखना है कौन सा बड़ा है डेसिमल और कौन सा छोटा है। जैसे कि एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 18.34 है और ये 8.43, तो आपको साफ दिख रहा है 8 से तो कंपैरिजन होना नहीं, पॉइंट के बाद कौन सा बड़ा है, पॉइंट के बाद ये वाला बड़ा है तो ये वाली पड़ी बस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 12.06 और 12.006, अब आपके इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें डेसिमल को हटा लीजिए। कैसे हटाते हैं डेसिमल को, देखिए मैं बताता हूँ कि डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट है 2, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1, 2, 2, 0 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का मतलब 30 यानी कि 1000 आ जाएंगे। पॉइंट हट गया, ये आ गया आपका 12.6/100 और 12.006/1000। अब आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो आप क्या करेंगे, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, तो ऊपर बचा 12.060/1000 और नीचे बचा 12.006/1000। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को आप छोड़कर ये देखिए न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला, तो ये देखिए ये बड़ा है क्योंकि ये 60 और ये 6 है, तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, सॉरी डेसिमल आपका बड़ा, बस इतना आपको करना है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधे चल रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखिए डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ है, अभी बता चुका हूँ मैं आपको इस चीज़ को, जैसे कि 0.6 दिया, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया आपका पॉइंट हट गया तो 6/10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है आपको, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। एक और देखते हैं जैसे कि 0.224, ठीक है 0.224 भी बोल सकते हैं इसको हम, तो इसमें आप देखेंगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1, 2, 3 डिजिट हैं, तो 1, 2, 3 0 आ जाएंगे यानी 1000, ऊपर क्या बचा 2, 2, 4/1000। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, देखिए 2 से चला जाएगा 1, 1, 2/500, और फिर 2 से चला जाएगा 5, 6 बाई
250, फिर 2 से चला जाएगा 28/125, अब 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अब 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से जा रहा है नीचे वाला नंबर, और किससे जा सकता है, 4 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही इसकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे कन्वर्ट मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्सड फ्रैक्शन। तो अच्छा, मिक्सड फ्रैक्शन में, अच्छा इसी को मिक्सड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, कन्वर्ट डेसिमल इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने ले लिया 8.36, तो आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको। तो ये आ गया 20 नीचे, यानी 2 डिजिट है, तो ये आ गया 836/100। देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 8, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा 0 और 4 9 36, ठीक है। और ये 4 से कैंसिल होगा तो 25 टाइम, तो ये आ गया आपका 209/25। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, अब इसको मिक्स्ड में लिख सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, 25 का 209 में डिवाइड कर देते हैं, तो 8 टाइम्स जाएगा 200, रिमाइंडर आएगा 9। तो क्या लिखेंगे, पहले कोशेंट, फिर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, ये आपके मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं 19 क्वेश्चन लेता हूँ, एक उसमें लिखा है 1589/100। तो आपको पता है कि जब इस टाइप से लिखा होता है, देखिए 15/89, तो दो पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट है, तो नीचे 20 बढ़ा लेते हैं हमने, ठीक है ना। अब ये इसका उल्टा पूछ रहा है, तो देखिए 20 है तो पॉइंट 2 प्लेस के पहले लग जाएगा। अब इसमें तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट नहीं होता तो हम यूनिट डिजिट के बाद मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 है तो पॉइंट 2 प्लेस राइट हैंड चला जाएगा, लेफ्ट हैंड चला जाएगा 1 2, तो कहाँ जाएगा 15.89। ये आपका आंसर डेसिमल में चेंज हो गया। इसी टाइप से मान लीजिए ये ले लें हम 5413/1000, तो 3 डिजिट है इसमें, तो पॉइंट है यहाँ पर, तो 1 2 3 किसके पास आ जाएगा, 5.413। ये आपका डेसिमल में चेंज है, ठीक है। चलिए, अच्छा जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये 250, अब आपके समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इसमें तो 00 है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लोग अब डिवाइड देंगे इसमें, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है डिवाइड देने का, ये 250 बड़ा नंबर है, दिक्कत आएगी डिवाइड देने में। इसको आप ऐसे कर लीजिए 25 × 10, भाई 250 को 25 × 10 लिख सकता हूँ, इनका डिवाइड कर लीजिए आप। देखिए 107 में हम डिवाइड करेंगे 25 का, तो 4 टाइम्स जाएगा, और कितना बचेगा, कितना आएगा 107 बचेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, ये आपका 2 टाइम्स ही जा पाएगा, और बचेगा यहाँ पर 50, या बचेगा 20, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, और ये आपका 8 टाइम्स जाएगा, और 20, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 8 टाइम्स जाएगा 200। तो इसको डिवाइड करने पर आपको क्या मिला, इसको 4.28, लेकिन नीचे तो 10 अभी भी रह गया ये वाला, तो इससे फिर से डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट यहाँ से 1 प्लेस और राइट हैंड चला जाएगा, यानी कि 0.428, या फिर आप उसको 0.428 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए 33 के 34, 35, 36 ये आपके क्वेश्चन हैं कन्वर्जन वाले, एक्चुअली किलोग्राम मीटर इस टाइप के, तो इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये आप 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को कन्वर्जन याद होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा सब में से, जैसे कि इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 8 kg 64 g इन किलोग्राम। इस पूरे को आपको किलोग्राम में लिखना है, तो देखिए 8 तो किलोग्राम में ही, तो इसको तो लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, प्लस इसको आपको ग्राम में चेंज, किलोग्राम में चेंज करना है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं,
और 1 ग्राम इज इक्व टू 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो आपको 640 चाहिए, तो 640 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ग्राम इक्वल टू 640 × 1/1000 ग्राम। तो ये क्या हो गया आपका 640 ग्राम इक्वल टू, ये हो गया आपका 640/1000 किलोग्राम है ये, ठीक है किलोग्राम। अब आपको पता है 3 डिजिट हैं तो पॉइंट कहाँ आएगा, 640 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से करके बता दिया है, यानी कि इतने ग्राम में 640 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, इतने। तो ये आप यहाँ रख देंगे 0.640 किलोग्राम और इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करना आपको आना चाहिए, देखिए 8 है, 8 के पास पॉइंट नहीं है तो आप सबसे लास्ट में पॉइंट मानेंगे, इसके पॉइंट के नीचे इसका पॉइंट, इधर 0, इधर 6, इधर 4, इधर 0, यहाँ पर इक्वल करने के लिए 0 ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। ऐड कर दीजिए 0, 4, 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8, इतने किलो, ये आपका आंसर, ठीक है। एक डिटेल में आपको बता दिया, 34 का फर्स्ट ही देख लीजिए, ऐसे 4 किलोमीटर और आपका है 365 मीटर इन किलोमीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 365 चाहिए, तो 365 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 365 मीटर में 365/1000 किलोमीटर आ जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, 30 यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.365 किलोमीटर, ठीक है। ऐड कर देंगे 4 किलोमीटर यानी 4.000 और इसमें 365, ये ज़ीरो हमने अपने ऐड करने के लिए अपने तरीके से लगाए हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि बताया था मैंने पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया 5, ये 6, ये 3 पॉइंट, ये 4, ये आपका किलोग्राम में आंसर, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे, जो किलोग्राम ग्राम का ये 35 और पैसे पैसे वाला है, पैसे वाला एक बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इसमें लिखा है 18 रुपीज़ एंड 25 पैसे इन रुपी, रुपी में आपको चेंज करना, तो ये तो आपको पता है कि 1 पैसा इक्वल टू होता है 1/100 रुपी, ठीक है। आपको 25 पैसे को चेंज करना है, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25/ क्या हो जाएगा, 25/100 रुपीज़। देखिए 2 0 है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा, नहीं 0.25 रुपीज़। अब इनको आप ऐड कर लेंगे, 18 रुपीज़, पॉइंट लगा के 0 0 लगा लीजिए, 0.25 और यहाँ पर 0 प्लस, ठीक है, ये आ गया 5, ये 2, ये 8, ये 1, इतने, ये आपका आंसर। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से बात करते हैं, थैंक यू।